तो देखिए, मैं जगदीश भगत जी कुछ कहना चाह रहा हूँ मीडिया के थ्रू। हमारे कार्यकर्ता बहुत गुस्से में है। जो हमने कार्यालय अपना हर्ष विहार में बनाया था, वो कार्यालय आज वहाँ है ही नहीं, गायब हो गया वहाँ से। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत कल से समझा रहा हूँ कि हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी वहाँ गया। मैंने वहाँ पूछताछ करी तो वहाँ पे ये निकल का है कि हमने आपके बैनर फाड़ दिए, आपके सब सामान हमने यहाँ से कहीं भी फेंक दिया और हम यहाँ पे मनोज तिवारी पे बोर्ड लगाएंगे। बीजेपी के लोग ये मैं नहीं कह सकता बीजेपी के थे या कौन थे। मेरे कार्यकर्ताओं को फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करना है और हमें अपने एक संविधान से चलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई बात नहीं, हमारा ऑफिस तोड़ दिया, कुछ भी करते हम मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएंगे, सांसद में पहुँचाएंगे और चुनाव आयोग को भी पहुँचाएंगे। आज राष्ट्रीय जनता पार्टी की हर प्यार में कार्यालय पे हम सब लोग उपस्थित हैं और मैं नरेंद्र पाल सिंह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी से। आज उत्तर पूर्वी लोकसभा से हमारे जगदीश भगत जी चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारी रैली भी होगी बुराड़ी से और ये नथुपुरा तक जाएगी। और जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री महादेव जानकर जी, जो पार्टी 17 राज्य में काम कर रही है और अभी 7 सीटों पर हम लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो हमारे जगदीश भगत जी पूर्व दिल्ली लोकसभा के कैंडिडेट हैं। और मैं सभी बहुजनों से एक निवेदन करता हूँ कि सभी लोग साथ एक मिलकर एकजुट होकर भगत जी को अपना विधेयक बना के लेकर आए संसद तक। क्या अपील कर रहे हैं, क्या आपके एजेंडे रहेंगे? देखिए, मैं पहले ये जो मैं टिकट दिया गया मेरे को, उससे पहले मैंने पार्टी से कुछ टाइम मांगा था और मैं अपने क्षेत्र में घुसूँगा और अपने क्षेत्रवासियों से सबकी मैंने राय ली। तो मेरे क्षेत्रवासी मेरे साथ हैं, पूरी लोकसभा मेरे साथ है। और आज हमारे साथ में उत्तर बापे हमारे भगत जी भी हैं और आज हमारे बीच में अपने उत्तर पश्चिमी पे राजेंद्र सहगल साहब भी हमारे बीच में हैं। ये अपने उत्तर पूर्वी लोकसभा से हमारे प्रत्याशी हैं। अच्छा, राष्ट्रीय जनता पार्टी के धन्यवाद भाई सब लोग। तो दोनों प्रत्याशी हैं आप? आज हम पहुँचे हैं हर्ष विहार से लेकर के नथुपुरा, पुराणी नथुपुरा जो लोकसभा उत्तर पूर्वी का। और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ इस कैमरे के माध्यम से, राष्ट्रीय समाज पक्ष की पार्टी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव देव जी जानकर जी हैं और आज लोगों से मुलाकात, रोड शो, लोकसभा उत्तर पूर्वी लोकसभा में ये रोड शो होने जा रहा है और अभी इस वक्त बुराड़ी में ये रोड शो पहुंचा है। जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ जगदीश, भाई आपने आज बुराड़ी का दौरा किया है, हालांकि पॉलिटिकल दौरा नहीं था पर आपने फिर भी लोगों की समस्याएं जानने की वहाँ कोशिश की, तो आपके हिसाब से वहाँ की जो हालांकि आपके क्षेत्र में आता है वो फिर भी आपने वहाँ जानने की कोशिश, क्या क्या मुख्य समस्याएं दिखी आपको? देखिए, मैं आज लोकसभा में अपनी जो बुराड़ी की पड़ती हमारी, मैं उसमें गया था और वहाँ पर मैंने जाकर देखा पब्लिक पता नहीं कैसे रह रही है कि वहाँ पे धूल मिट्टी और कोई सुविधा ही नहीं लग रही है। जाम इतना कि मैं भी कम से कम आधा पौन घंटा जाम में खड़ा हो गए और पब्लिक को देख रहा हूँ कि धूल मिट्टी में ऐसे कैसे चलते हैं। बाइक वाले को तो बुरा हाल है, गाड़ी वाले अपना शीशा बंद करके बैठे रहते हैं अंदर, लेकिन तो बाइक और जो पैदल चलने वाले वो क्या करें बेचारे। और पब्लिक की बहुत सी समस्या है वहाँ की,
तो मैंने देखा वहाँ आज जाके, और मैं थोड़ा सा पब्लिक को आश्वासन दे के आया हूँ कि अगर हम सस्ता में इसमें आते हैं तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम तो घूमते हैं, जगह जगह कीचड़ है, क्या समस्या आपको वहाँ देखने को मिली? सर समस्याएं तो इतनी हैं कि गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे, लेकिन मेन सुविधा जो पब्लिक को सुविधाएं चाहिए जैसे स्कूल है और नालियों की है और आपका गलियों की है, क्योंकि आज भी आप कहीं भी गांव में भी चले जाओ तो आरसीसी मिलेगी आपने, लेकिन आज बुराड़ी के अंदर आज भी वही एक वे डली हुई है ईंटें। तो मैं तो पब्लिक को ही देखा कि पब्लिक यहाँ रह कैसे रही है, कैसे अपना जीवन काट रही है वहाँ पे। तो आप अगर सांसद बनते हैं, आपकी पहली दो तीन प्राथमिकताएं जो मोटा मोटी क्या रहेंगी? देखिए हमारी जो शुरू से ही हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं, जैसे महिलाओं को सम्मान और हिस्सेदारी, हमारी पार्टी का फोकस है इन चीज़ों पर, और मुफ्त चिकित्सा, गलियां और नालों की हर रोज सफाई, जो कि उसमें मच्छर पैदा ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, तो इन पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छी सड़क और पानी भी हमारी पार्टी का मुद्दा है, और शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है वो बंद होगा, ठीक है जी। हर रोजगार, बेरोजगारों को हाथों को रोजगार मिलेगा, हमारा मुद्दा ये भी है, और महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी, क्योंकि महिलाओं को छोड़ो, आज शाम के टाइम जेंट्स ही पैदल नहीं चल सकता, और 50% हिस्सेदारी महिलाओं को मिलेगी, 1,000 रुपये वोटर पेंशन मिलेगी, और राशन नहीं हमें शासन चाहिए, ये हमारे पार्टी के मुद्दे हैं, और संविधान की ही लड़ाई लड़े, और संविधान को हम बचाएंगे जहाँ तक भी कोशिश होगी।